सो रिजल्ट्स आ चुके हैं और अब जिन लोगों ने रिजल्ट्स लास्ट ईयर तक स्कोर किए थे, अब बहुत साल पहले तक जिसके भी स्कोर आए थे, जैसे भी वो मेंटल हेल्थ वाला फेज अभी चालू होने वाला है कि यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर एंड ब्ला ब्ला ब्ला. ओके इट इज ट्रू बट आई डोंट नो. सी आई डिड नॉट स्कोर वेल इन माई बोर्ड एग्जाम्स एंड आई नो द फियर द प्रेशर दैट यू फील बिकॉज मेरे माँ बाप बहुत ज़्यादा नाखुश थे. They wanted me to pursue something and I was not capable of it. I hated maths, I hated chemistry, I did not score well. Abhe PHE mein kaun khara marks aata? I was so bad, alright. So I just thought I'll just share what I think helped me. And I wish ki koi mujhe us time aake batata. Mujhe nahi pata tumne kya score kiya hai. Aur kya tumhare expectations the tumhare marks ko lekar. But I just know one thing. Really gets better, guys. It really does. Results के बाद दोस्तों को face नहीं कर पा रहा, माँ बाप relative से बात नहीं कर पा रहे, because सबको पता है कि result आने वाला है. और भाई कितना आया बेटे को, हैं बेटी का बड़ा पढ़ाई कर रही थी, भाई कितना लाया. Yeah, they are the worst, you know, they are the worst. But I'll tell you one thing, and this is just based on my life. In the end, it's all about the impact that you make on people who care about you. किसी को दो दिन बाद फर्क नहीं पड़ने वाला कि तुम 90 लेकर आए थे या 40 लेकर आए थे, कोई नहीं पूछता. और ये कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, उस कॉलेज के अलावा दुनिया में और कॉलेजेस हैं. आई नो तुम्हारा सपना है उस कॉलेज में जाना, बट शायद वो सपना तुम्हारे लिए नहीं है, तुम उससे भी कुछ बेहतर करने के लिए बने हो. आई स्वेयर आई से दिस बिकॉज आई नो द फीलिंग. आई टुक कॉमर्स, ओके, आई डोंट नो व्हाई, बट आई थिंक बिकॉज साइंस नहीं लेना था, बिकॉज कम ऑन लेट्स फेस इट, इन द एंड इट्स ऑल अबाउट यू टेक योर टाइम. लोग पूछेंगे भाई करना क्या है, कुछ डिसाइड किए हो क्या, मतलब अब तो मार्क्स ऐसे आ गए तो अब तो समाज में नाम नहीं बना पाएंगे, अपना नाक कटवा दियो तुम, इतना पैसा वेस्ट हो गया, ये वो, अब शादी कर लो और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है. ये सब कुछ एक टाइम तक रहता है बस. दिस इज, आई नो इट इज अ वेरी वेरी हार्ड टाइम, वेरी डार्क टाइम, एंड यू फील लाइक कि अभी ये सफोकेशन कैसे निकलेगा लाइफ से, बट ये सच में से एक टाइम के लिए होएगा. ऑल योर पेरेंट्स योर रिलेटिव्स दे केयर अबाउट इज व्हाट यू डू विथ योर लाइफ एज एन इंडिविजुअल, हाउ यू वांट टू लिव योर लाइफ इज व्हाट इन द एंड मैटर्स, राइट. आई टोटली मीन इट बिकॉज आई कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर यू नो पीपल आर रियली बहुत ऑर्थोडॉक्स टाइप की थॉट प्रोसेस वाली फैमिली से आया. मुझे स्टेज पसंद था, मुझे लोगों के सामने बात करना पसंद था, बट मैंने उसकी पढ़ाई नहीं की थी. आई डिड नॉट परस्यू मास कम्युनिकेशंस एंड आई वाज लाइक ओके तो ये कैसे होता है. बट आई वाज लाइक कि अब जो नहीं किया है उस बारे में कुछ नहीं कर सकते, बट अभी और क्या कर सकते हैं मुझे ये बताओ यार. बट बताने के लिए कोई नहीं था, मैं बस अपनी एक्सपीरियंस आपको बता सकता हूँ. एंड आई विल टेल यू वन थिंग, आई जस्ट टुक द मोस्ट इनिशियल स्टेप ऑफ जस्ट स्टार्टिंग इट, दैट्स इट. जैसे मैंने फोकट में शोज़ किए, बर्थडे पार्टी से लेकर शादियां, फोकट में ऐसे होस्ट किए, एंड बिकॉज यू नो आई फेल लाइक दिस इज नॉट द वन वे दैट विल टेक मी टू आई फॉर फिल्म फेयर और समथिंग. नहीं, इट वाज ऑल अबाउट व्हाट आई लव एंड डज दैट मेक सेंस, एंड इट रियली डिड. इट मेड मी द हैप्पीएस्ट व्हेन आई वाज ऑन द स्टेज. एंड आपने जो भी स्कोर किया है, हो सकता है वो IIT के लिए प्रिपेयर करते हुए किया होगा, या डॉक्टर बनना होगा आपको, या आपकी फैमिली चाहती होगी. पर अब तो लाइफ में कुछ है नहीं, अब तो CA CS वैसे सब मतलब अपने चीज़ें होती हैं, या फिर साइंस लेना या कॉमर्स लेना, इस लड़ाई और मतभेद में आप पड़े होंगे, आपकी फैमिली आपकी पीछे पड़ी होगी. ये डिसीजन लेने से पहले बस एक काम करना, एक्सप्लोर करो अपने आप को, टेक योर टाइम. जरूरी नहीं है कि आंसर आपको मिल ही जाएगी. हाँ यार, मैं तो इसी चीज़ के लिए बना हूँ, इट्स टोटली फाइन. मुझे अभी भी नहीं पता मुझे क्या करना है, मैं बस वही कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है करना. एंड ये करने की हिम्मत सिर्फ और सिर्फ तब आई जब आई बिलीव्ड कि ठीक है यार, एक बार रिस्क लेके देखते हैं. गलत कदम उठाने का ऑप्शन सबके पास रहता है, सब कोई अकेले होते हैं, सबको वो हॉन्टिंग थॉट्स आती है, बट उसके अलावा भी एक स्टेप होता है कि यार जब ऐसे करना ही है तो एक काम करते हैं, रिस्क लेते हैं ना.
That is how it all makes sense. I started watching, you know, motivational videos, people who overcame failure and everything. कोई sense ही नहीं समझ में आया मुझे. मतलब अरे आप तो बढ़ गए, अरबपति हो, आपका नाम दुनिया जानती है, तो उससे हम क्या करें. मैं यहाँ अगर छोटे से शहर में एक छोटे से कमरे में बंद परेशान हूँ, तो मुझे कोई समझने वाला समझाने वाला है ही नहीं. कोई बात ही नहीं मेरे से पूछ रहा कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ. बट तो ये मेरी फीलिंग थी. एंड अगर बाई एनी चांस तुम ऐसा फील करते हो तो यार कसम से बता रहा हूँ, टाइम लो. मैंने भी लिया था, मुझे बस कोई बताने वाला उस टाइम नहीं था. टाइम लिया, खुद के लिए लिया, बहुत टाइम लिया. लोग सवाल पूछेंगे, वो बहुत इरिटेटिंग होगा, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तुम अपने आप को जो टाइम दे रहे हो अभी, वो एक दिन बहुत प्यारा आंसर बन के सामने आएगा. एंड दैट विल शट द हेल अप जो भी आपसे सवाल पूछते हैं, इंक्लूडिंग योर रिलेटिव्स, यू नो. I don't know आपने कैसा स्कोर किया, एंड इफ यू आर हैप्पी, एंड इफ यू आर हैप्पी एंड योर पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी, एंड लाइक ठीक है, इट्स टोटली योर डिपार्टमेंट. द पॉइंट इज इफ यू हैव पीस, आज बस शांति से कमरे में जाके शांति से बैठ जाओ, शीशे के सामने बस लंबी सांस लो. कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ, तुमने जितनी भी मेहनत की, इट्स राइट हियर, दैट इज इट, दैट्स अ पेपर दैट जस्ट केम आउट. नाउ नेक्स्ट इज वॉट यू चूज टू बी. Whatever you want to be, a musician, a photographer, it's all about the passion that you think. Last में भैया लोग सिर्फ उसी को याद रखते हैं, कोई नहीं जानना चाहता तू 95 लाए थे या 89 या 35. आप कुछ बढ़िया कर रहे हो, लोग अपने आप आपको पहचानेंगे. वो बढ़िया क्या कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट करते ना, रिस्क लेते ना. अभी वो हंटिंग थॉट से, वो गलत कदम उठाने से तो बेटर है कि चलो अगर वैसे ही मरना तो अच्छे से रगड़ के मरते हैं साला. लोग याद तो रखेंगे कि यार ये तो झुका ही नहीं यार.